ये वो जगह है जहां हम सब जाना चाहते हैं, बैतुल मक़द्दस यरूशलेम। यहां पहुंचकर कैसा लगा? क्या वाकई में अंदर जाने नहीं दिया आपको? गए आप? जी जी, मैं पूरा विजिट करके आया हूँ। हर एरिया खुला हुआ है, मतलब ये नहीं कि वहां पे आप नहीं जा सकते। और लोगों को नहीं पता, सबसे कम रिस्ट्रिक्शन जो मिडिल ईस्ट में मुझे कैमरे पे आई है वो इसराइल में आई है। सबसे कम पैलेस्टाइन और इससे सबसे कम, किसी ने आपको छेड़ा नहीं मारा? मैं इवन के पैलेस्टीनियन लोगों के इंटरव्यू कर रहा था, वो सामने कैमरे लगे हुए थे, और करके मैं दूसरी साइड पे जाता था क्योंकि वो कुछ एरियाज हैं सेटलमेंट के एरिया, तो लोगों के घरों पे भी कब्जे हुए हैं। तो मैं उनके इंटरव्यूज कर रहा था इधर करके, फिर मैं उधर जाता था, तो मुझे कहते थे आप तो जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। तो उस साइड पे आर्मी वाले मुझे रोकते थे, लेकिन वो कैमरा देख के क्या बना रहे, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है चले जाओ। डर जरूर लगता था, लेकिन वो ऐसा कुछ खतरनाक नहीं रहा। वेरी गुड, वाह, मदीना मुनव्वरा जी जी, टॉप ऑफ द लिस्ट। बिल्कुल, कैसी फीलिंग रही यहाँ जाके? सर मैंने किया था, ये पहला रमज़ान था, तो 850 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है बाइक पे, रोज़े में, और मैं आधे रास्ते सोता हुआ जो ट्रैवल करा था, मतलब मैं सो रहा हूँ ना, तो रोड से उतरता था ना, तो रास्ते में वो उन्होंने बनाए हुए थे, तो मतलब आप खड़खड़ की आवाज़ आती है वो रोड में कट, तो फिर मुझे जाग आती थी, मैं अपने वक्त अब रारे आज मर जाना तू। रास्ते में कुछ था भी नहीं, तो वो वहाँ पे पहुँचना वो मेरी एक ख्वाहिश थी जब मैं यहाँ से निकला था, कि मैं पहला रमज़ान की इफ्तार जो है ना वो मदीना में करूँ। तो मुझे वो मौका मिला, वो फीलिंग, और पहली नज़र जब आप पहला उमरा करने जाएँ ना, काबा शरीफ पे जाएँ, तो वो उसके बाद आप 10 बार भी कर लेंगे ना, वो फीलिंग नहीं आती। सही कह रहे हो, और वो शायद जो है, मैंने वो लोगों का एक बड़ा ख्वाब होता था कि बाय रोड जाएं, तो काफ़ी लोगों ने ना मेरे ख्याल में मेरे चैनल का टर्निंग पॉइंट भी वो था कि लोगों को वो एक ख्वाब देखने को मिला। ठीक, अच्छा कुछ जगहें जहां हम नहीं गए, तस्वीरें वहां की भी आई हैं, लेकिन दिखाओ भी क्या किया है शाहरुख खान के साथ आप? मैं इनके घर के बाहर तक गया था। अच्छा, मन्नत के बाहर गया था, हजारों लोग खड़े थे और इतनी गर्मी थी, मुंबई में हीट वेव चल रहा था, लेकिन सर इनके क्या फैंडम है भाई, इनका सच्ची बात है। और क्या, अरे टाइटैनिक में भी मौजूद थे आप, वाह। अगली क्या आई है भाई? शाहिन शाह अफरीदी के साथ भी आप इंटरव्यू दे रहे थे,